राष्ट्रीय लोक अदालत अधिक से अधिक वादों का हुआ निष्पादन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वाधान में आज 9 सितंबर को दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी, जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एवं आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउंड टेबल वादों की सुनवाई की गई और वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की गई, जिनमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, आपराधिक वाद, एनआई एक्ट, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण आदि का सुलह के आधार पर किया गया। अवकाश कुमार सिंह, एस एस पी कम दरभंगा। हमारे सहकर्मी, न्यायिक पदाधिकारीगण, सेक्रेटरी फायर एसोसिएशन, अन्य विभाग से आए हुए पदाधिकारीगण एवं कर्मचारी वृंद, पक्षकार एवं यहाँ की आम जनता, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ आप लोग इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं, उस उद्देश्य में आप सफल हो। हमारे डीएम साहब ने, एस एस पी साहब ने, अन्य लोगों ने लोक अदालत के बारे में सारी बातें बताई हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए पूरे मनोयोग से यहाँ पर लगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो व्यंजन बने हुए हैं वो पंच परमेश्वर की भूमिका में आप लोगों का ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिसने सभी समाज और उसकी संस्कृति को वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। अगर न्याय नहीं होगा तो बलवान कमजोर के ऊपर हावी होता है और जंगल का शासन होता है, उस प्रकार की व्यवस्था समाज में होगी और कहीं भी वो मानवोचित नहीं। उस कड़ी में आप देखेंगे तो लोक अदालत की परंपरा न्याय की प्रक्रिया को पुनः परिभाषित करने जैसा है, इसे फिर से मूर्त रूप देने जैसा है, क्योंकि न्याय अस्थायी तभी होता है जिसमें दोनों पक्षकार को लगे कि वास्तव में न्याय होगा। न्याय की स्वीकारोक्ति पे बल दिया गया और इसीलिए सुलहनीय वादों का निपटारा जिला पदाधिकारी महोदय के और दरभंगा जिला के निवासी आज आप लोग भारी संख्या में आए हैं, आए यहाँ पर। सबसे पहले इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत हम लोग जो कार्य करते हैं यहाँ पे, हम उम्मीद है उसका आप पूरा लाभ उठाएंगे। ये समय का ही बचत नहीं है, पैसे की भी बचत है, आपकी जो टेंशन है उसकी सबकी बचत। और हम लोग न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा, वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं? जिनको पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी भी।